हाई एवरी बढ़िया वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है अंडर ट्वेंटी फोर सेवन एस एस सी अडापर एंड फाइनली आई गोट अ चांस टू मेक द वीडियो फॉर इंग्लिश आई मीन द स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश जो की आप सब लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि मैम क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ाती हैं तो क्यों ना आप हमें स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि इंग्लिश में हाउ कैन बी स्कोर गुड and here on the thumbnail you are uh, you can see that he has mentioned 20 out of 20 i know this is really difficult because word rule sa huta but 20 out of 20 is not really difficult in ib examination so i am here to tell you द करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज तो जी हमारा फॉर्म आया था असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड टू एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी जिससे आप आई बी के नाम से जानते हैं जो कि ए सी आई ओ के लिए है राइट तो आई बी इज इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ए सी आई ओ का एग्जाम है ठीक है तो ये है हमारा ऑफिशियल नोटिस नो, नोटिस और आप लोग डेली मेरी कोई ना कोई वीडियो देखते हैं तो आज मेरा टर्न है किसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी क्या आपको तैयार करके जाना है कैसा आपका पेपर इंग्लिश में आ सकता है अब एक बात तो यहाँ पर तय है आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के कॉमेंट्स करे बहुत सारी चीजें बताई कुछ पूछी तो पहली बात तो ये कि इंग्लिश का जो पेपर है वो डेफिनेटली 2017 जैसा तो नहीं होगा क्योंकि पेपर आपका 2021 में हो रहा है तो 18, 19, 20, 21 मतलब कितने साल बाद बीच में थ्री इयर्स का साफ साफ बिल्कुल क्या है भाई गैप है ना तो अगर इतने टाइम के बाद पेपर होगा तो बिल्कुल पहले जैसा तो नहीं होगा देर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट थिंग्स टू सी टू ऑब्जर्व क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है जो ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी सिलेबस के वीडियो में दैट यू कैन सी ग्रामिकल रूल्स एंटेनिम सिंगल एंड डबल फिलर्स फिल इन द ब्लैंक्स एरर डिटेक्शन सिनेम्स वन वर्ड्स इडियम्स फिल इन द ब्लैंक्स या फिर फिलर के नाम से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं रीडिंग एंड पैसेज एक्टिव वॉइस क्लोज टेस्ट पैरा कॉम्प्रीशन तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपकी तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं दैट इज वो कैबलरी जिससे आप शब्द कोश कहते हैं सेकेंड इज ग्रामर एंड थर्ड इज आपकी क्या कॉम्प्रीहेंशन वाली चीजें जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो सबका बहुत सारा स्वागत है नाम नहीं ले रही हूँ हाय कृष्णा नीतू राज एंड जितने भी लोग हैं आप सबका भी यहाँ पर बहुत सारा स्वागत है अगर इस फॉर्म को नहीं भराए तो प्यारे डियर स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल कर लीजिए एट्थ ऑफ जनवरी तक एक्चुअली ठीक है क्योंकि फॉर्म को जो है लास्ट डेट पे नहीं इंतजार करना चाहिए पहले ही आपको भर लेना चाहिए यह है आपको मेरी आज की पीस ऑफ एडवाइस छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस राइट तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैम इंग्लिश में शुरू कैसे करें है ना तो इंग्लिश का जो आया हमारा आई का जो सिलेबस है इसको कम्बाइन करके बनाया गया है कैसे एक तो बैंकिंग वाले पैटर्न से कुछ चीज़ें उठा ली गई हैं

अगर जो एस एस सी वाले हैं वो बैंकिंग वाले कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाएंगे कर तो पाएंगे बट जनरल एग्जाम में आपके आते नहीं है है ना अब हमें क्या करना है अब हमें जरूरत है एक सही स्ट्रैटेजी की सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये भाई हमारे दो हजार सत्रह के क्वेश्चन है अगर आप इन्हें देखते हो ना तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, नहीं नजर आ रहा है आपसे कास्ट डाउन का क्या ई का मीनिंग पूछा गया था जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डिप्रेस का आंसर है और यहाँ पर आपसे एक फिलर आपको दे रखा है जिसमें आंसर आपका प्रपोजिशन फिल किया हुआ है बट मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसी लेवल की चीजें इस बार आने वाली हैं मुझे ये लगता है कि इंग्लिश में जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाते थे कि एक सेंटेंस आपको दे दिया उसमें आपसे वर्ब नाउन या एडवर्ब के बारे में पूछ रहे ऐसा इस बार नहीं होगा इस बार आपको मिलेंगे अच्छे लेवल के एरर डिटेक्शन उन्हें अब आपको सॉल्व कैसे करना है देखिए आप अपनी दो वेज में स्ट्रेटेजी अपनी क्या आप अपनी बना के रखिए कैसे आप में से जितने भी लोग हैं या तो आप ग्रामर में बहुत अच्छे होंगे या फिर आपकी वकैब बहुत अच्छी होगी और जो ऐसे हैं जिनका दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है ऐसे कैसे चलेगा दोनों में से कोई एक चीज़ को आपको अपना स्ट्रोंग पार्ट लेके चलना है अगर आप ग्रामर में बहुत अच्छे हैं तो शायद 20 में से आपके पाँच से आठ सवाल ग्रामर पर बेस्ड आ सकते हैं अगर आप वकैब में अच्छे हैं तो आप वैसे इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं ठीक है अगर आप ग्रामर में अच्छे नहीं हैं तो बहुत इजी है इसे करना क्यों आपको सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ना है जैसे कि नाउन जैसे कि आर्टिकल्स जैसे कि प्रोनाउन क्योंकि इन्हीं से मिल के आपकी ग्रामर बनी है वर्ब हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया जैसे कि टेंसेस पढ़ लीजिए एडजेक्टिव्स को पढ़ लो एडवर्ब्स को पढ़ लो प्रपोजिशन आप लोग तैयार कर लीजिए पढ़ लीजिएगा आप लोग कंजंक्शंस को भी और इसके साथ साथ दो और टॉपिक आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है तो ये है भाई आपका ग्रामर वाला पार्ट वो कैब में आपको क्या करना है एक तो सबसे बड़ी चीज़ आप इडियम्स ज़रूर याद करते रहिए आप एक बुक ले लीजिए और उस बुक से आप इडियम्स को याद करना क्या कर लीजिए भाई स्टार्ट कर दीजिए ठीक है डेली अगर आप दस इडीएम्स भी कर रहे हो ना तो आप एक महीने में तीन सौ कर रहे हो दो महीने में छह सौ कर रहे हो लेकिन पुरानों का रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए आपको अपने रिविजन का भी टाइम के आपको का टाइम अपने बचा के रखना है तो आप डेली टेन ईडीएम्स लीजिए और आप उन्हें याद करो साथ ही साथ हर दिन दस नए वर्ड्स भी आपको याद करने हैं और उन्हें यूज करने की कोशिश भी आपको करनी है देखो माना है कि भाई मैंने आज एक वर्ड याद किया जैसे अगर वो वर्ड मेरा एपडिकेशन है ठीक है एपडिकेशन का मतलब क्या होता है एपडिकेशन का मतलब होता है त्याग करना एपडिकेट करना मतलब त्याग करना अब अगर मैं इसे यूज़ नहीं करूंगी अगर मैं गिव अप ही यूज़ करती रहूंगी अगर मैं गिव अप इज़ लाइक त्याग देना या अगर मैं लीव यूज़ करती रहूंगी तो मैं इस वर्ड को कभी यूज़ ही नहीं करूंगी यूज़ नहीं करूंगी तो ये मुझे कभी याद ही नहीं होगा आज याद कर लिया कल भूल जाऊंगी कल कर लिया परसों भूल जाऊंगी और यही मेरा प्रोसेस चलता जाएगा अगर आप किसी भी शब्द को याद करना चाहते हो अगर आप अपनी वोकेबलरी को डेवलप करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आप उन्हें यूज करो आप उन्हें अपने किस में आप उन्हें अपने यूज में लेकर आओ इसीलिए बहुत जरूरी ये बात आप याद रखिएगा कि आप क्या करेंगे आप वोकेबलरी को जरूर जरूर क्या करेंगे यूज करेंगे ठीक है ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया क्लियर है ये बात जी अब क्या करेंगे अब जब आप ग्रामर को आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो साथ में आप लोग वोकेबलरी के क्या कर रहे हो अपने वर्ड्स याद करते जा रहे हो तो दोनों चीज़ों का आपका बैलेंस बन जाएगा दोनों चीजों के बैलेंस से आपके फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से हो जाएंगे आपके डबल फिलर जो है जो भी दोनों में से ये आपके सही हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही बात है ठीक है सिनोनिम्स पे आपका काम बन जाएगा एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे है ना रही बात हमारे वन वर्ड सब्सिट्यूशन की तो वन वर्ड सब्सिट्यूशन क्या करते हैं ये हमारे अनेक शब्द के लिए एक शब्द है इन के लिए क्या करना है आपको रूट को याद करना है ना उनसे मिलके बहुत सारे आप, बना सकते हैं। आप सभी को पता है लॉजिक का मतलब होता है स्टडी अब आपको पता है जब कोई भी स्टडी का रूट वर्ड आएगा उस ऑप्शन को हटा देना जिसमें लॉजी नहीं है बाकी लॉजी वाले उसे लगा देना जनरली है ना आपसे फियर पूछ रहा है तो कौन सा लगाओगे आप भाई वहां पे फोबिया वाला वर्ड लगा दोगे आपको गैमी दे रखा है तो गैमी का मतलब है कि आपसे मैरिज के बारे में बात कर रहा है राइट right. इसी प्रकार बहुत सारे यहाँ पर हमारे रूट वर्ड्स हैं जो जनरली मैंने आपको पढ़ाए भी हुए और आप बाकी क्लासेस में आप भी, में भी आप लोग जरूर देखते होंगे है ना हाई शालवी गुलशन एंड एंडल स्टेटस क्लब तो इट्स वेरी सिंपल थिंग क्या करना अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे ग्रामर के टॉपिक्स को तैयार करना है और मुझे सात सत व्याप को लेके चलना है अब आप कहेंगे मैम आपने डेली ईडीएम्स याद करने की सलाह क्यों दी अलग से क्योंकि ईडीएम्स ना तो सिनोनिम के साथ है ना एंटोनिम के ना वन वर्ड के ना स्पेलिंग के ये चार साथ में है एक वर्ड का जो मीनिंग है उससे बना उसका पर्याय वाच्य उसके विपरीत से बना उसका विलोम शब्द उसकी परिभाषा है वन वर्ड सब्सिट्यूशन और उसकी जो स्पेलिंग है वो है स्पेलिंग ये चार चीजें आपकी एक वर्ड को याद करने से क्लियर हो जाएंगी बचा हमारा idiom, जो एक कि एक बिल्कुल ही है करना होगा अगर क्लोज टेस्ट आ गया तो वो भी आपकी मिक्सिंग है किसकी ग्रामर प्लस वोबलरी की ये पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है भाई गुड इवनिंग प्रमोद कुमार जी ठीक है तो ये आपको करना है क्या कीजिए डेली आप हैबिट बनाइए दस वर्ड याद कीजिए दस ईडीएम्स याद कीजिए प्लस ग्रामर पे साथ में साथ साथ आप लोग काम करते रहिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ग्रामर के जो रूल्स होते हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं वो आपके एर डिटेक्शन में बहुत काम आते हैं आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट में बहुत काम आते हैं और ऐसे नहीं करना कि रूल्स को रटने के लिए बैठ जाओ आप मूवीज देखते हो वहां पर चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है सब में और आपको सही मिलेगा ज्यादातर खासकर जो बोलता है डायलॉग तो वो सही बोले क्योंकि उनकी वो नेटिव लैंग्वेज है ना राइट तो आपको करना क्या है डेली ग्रामर के साथ साथ ईडीएम्स प्लस दस नए शब्द आपको जरूर याद करने हैं अभी उसके बाद क्या करेंगे फिर आप स्पीड टेस्ट देंगे स्पीड टेस्ट देने से क्या होगा आपके जो इंग्लिश में जो आप गलतियां करोगे वो आप लोग जरूर के आगे चेक करोगे अब क्या है आ, टी सरिन जी मैम प्लीज प्रॉपर क्लास लीजिए आईबी की तो देखो सरिन मेरी क्लासेस आईबी की आ रही हैं आपने पूछा है देखिए भाई ये मेरा आईबी का पूरा बैच है इस मेरे बैच में आई में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं जैसे सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं सौरभ सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं ये सर आपको यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं ये आपको पढ़ा रहे हैं भाई पे क्या आपको जीएस और मैं आपको क्या पढ़ा रहा इंग्लिश अब ये जो बैच है ना ये हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसी नेक्स्ट मंडे से अब देखो नेक्स्ट मंडे कब पढ़ रहा है चार तारीख को पढ़ रहा है ना तो आपके लिए हमने बैच को क्या कर दिया है भाई हमने प्रीपोन्ड कर दिया यू नो व्हाई ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है आप सबको डर लग रहा है कि पता नहीं पेपर कब आ जाए तो हमने क्या किया हमने इसको बैच को फोर्थ ऑफ जनवरी से कर दिया ताकि जल्दी से जल्दी हम आपको तैयारी करा पाए ठीक है तो फोर्थ ऑफ जनवरी से आपके लिए बैच लेकर आ रहे हैं और इस बैच में प्रिंस कुमार जी सी की क्लास का टाइम भैया बारह बजे है यूट्यूब पे ठीक है इस बैच में आपको पढ़ाएंगे लाइव बिल्कुल आईबी के पैटर्न का बैंकिंग प्लस एसएससी का मिक्स आपको पढ़ाएंगे क्योंकि यही आपके आईबी में आता है ठीक है इस बैच को लेना कैसे है आपको जाना है भाई पर और वहां जाने के बाद आपको सर्च करना है क्या आई बी ए सी आई ओ जब आपको बैच दिख जाए उस पर कोड लगाना वाई एक सो बहत्तर बैच एक्चुअली छह हजार का है बट ये कोड लगाने के बाद पंद्रह सो से भी कम का हो जाएगा राइट अगर आपकी तैयारी हो चुकी है बस आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हो तो आपके लिए क्या है तो आपके लिए भैया टेस्ट सीरीज है चेक कीजिए अपनी परफॉर्मेंस को बहुत महंगी भी नहीं है सेम इस पे भी आपको क्या करना है अडर ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पे जाना है वाई एक सौ बहत्तर का कोड लगाना है और टेस्ट सीरीज आपको ले लेनी है अब क्या करें टेस्ट सीर अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड उससे कम का ही पड़ेगा ये बैच आपको ठीक है तो क्या करेंगे इसी प्रकार हम अपनी तैयारी करेंगे मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि भाई ये बैच आप जरूर लो अगर आप तैयारी कर चुके हो अगर आप तैयारी कर रहे हो सिलेबस आपने कवर कर लिया है बिल्कुल जरूरत नहीं है फिर आप टेस्ट सीरीज लो बहुत महंगी भी नहीं है ठीक है बट अगर कहीं भी दिक्कत है कि भैया मुझे तो ये नहीं आता मुझे तो ये नहीं आता तो बिल्कुल भी क्या रिस्क मतलब आप हम हैं ना आप लोगों के साथ आपको पढ़ाने के लिए है ना यूट्यूब सेशन भी होते हैं बस थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि वहाँ बहुत डिटेल में घुस नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस अपनी मतलब परफेक्ट होने के लिए आते हैं प्रैक्टिस में है ना जो बहुत डिटेल है जो बहुत सारे क्वेश्चन के जो आपके आंसर्स हैं जो आपके डाउट कहाँ पर क्लियर करें कि आराम से एक बच्चे को समय दे सके उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि इजीली एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए जहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जा सके जो आपके एग्जाम में आ रहा है ताकि एक ऐसा बैच बने जो सिर्फ आई के छात्रों के लिए ही है सो ज्वाइन दिस बैच गोडर ट्वेंटी फोर सेवन कॉम यूज कोड वाई थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए कल वापस से मिलेंगे अपना ख्याल रखिए घर वालों का भी ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर गुड लक